एवरीवन, दिस इज मी साविया हियर। मैं आपके लिए लेके आए हुए एक और रेडियो, जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि आपके पर्सन के मन में क्या है, जो वो कहना चाहते हैं, क्या है उनके मैसेजेस आपके लिए। सो कार्ड्स मैं ऑलरेडी पुल आउट कर चुकी हूँ अपने इंग्लिश चार्म के लिए, सो आई एम जस्ट गोना कंटिन्यू विद दैट। मुझे लगता है कि आपके पर्सन जो है, चाहे इन टच हो या आउट ऑफ टच हो, दोनों सिचुएशन में आप ये रीडिंग देख सकते हो। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक दो चीज़ें नजर आ रही हैं जो मैं जिनके ऊपर बात करना चाहूंगी। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए, आपका और आपके पर्सन के दरमियान में बहुत ज़्यादा फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं जो कि चल रहे हो ऑलरेडी, यू नो, ऐसा नहीं कि आना है, ऐसा है कि जैसे चल रहे हैं। आपके पर्सन वर्कहॉलिक हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप काफ़ी इन्फ्लुएंस होता दिख रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि अगर आप दोनों का टाइम अपार्ट भी आता है या आ चुका है इन्हीं रीजंस की वजह से, इन्हीं फाइट्स की वजह से, या अगर इन्होंने किसी और पर्सन को चूज़ किया उसकी वजह से भी, तो आपके पर्सन को बहुत जल्द रियलाइज हो जाएगा या हो चुका है। इट्स गोना बी डिफरेंट। अगर आपका कनेक्शन अभी इन्फ्लुएंस हो रहा है नेगेटिव एनर्जीज के साथ, तो उनको रियलाइज हो जाएगा। अगर ऑलरेडी हो चुका है इन्फ्लुएंस और आप दोनों का टाइम अपार्ट चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, तो आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो चुकी है कि कनेक्शन उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आपके पर्सन कार्मिक लेसन लर्न करके आपके पास वापस आएंगे। मेजॉरिटी लोगों के लिए, अगर इन टच हो और आपके पर्सन और आपके दरमियान में इशूज आ रहे हैं, तो अगर कनेक्शन फॉल अपार्ट भी करता है, पर्सन आपके पास वापस आएंगे। इनको रियलाइज हो जाएगा बहुत जल्द कि द ग्रास वॉज नॉट ग्रीनर ऑन द अदर साइड, यू नो, आपके बगैर उनको लग रहा था कि शायद अच्छा रहेगा सब कुछ, वो आपको मिस भी नहीं करेंगे, सोचेंगे भी नहीं, पर ऐसा नहीं था या ऐसा नहीं होगा उनके लिए। और ये पर्सन रियलाइज करके वापस आएगा कि एक कनेक्शन आपके साथ जो था वो बहुत मैजिकल था, बहुत ही ज्यादा स्पेशल था, लेकिन उन्होंने अंडरस्टैंड पहले नहीं किया। अब वो इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और आपके पास वापस आना चाह रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी आना चाह रहे हैं, आप में से कुछ लोगों के लिए आना चाहेंगे। सो पिक हाउएवर इट इज रेजोनेटिंग विद यू इन योर सिचुएशन। लेकिन अगर हम मैसेजेस की बात करें, तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपकी वजह से एक बेटर इंसान बन रहे हैं। लेकिन यस, वो सॉरी भी फील कर रहे हैं उनके बिहेवियर की वजह से, लेकिन प्रॉमिस भी कर रहे हैं कि वो आने वाले टाइम में सिचुएशन को वर्क करने की कोशिश करेंगे। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए, आपके पर्सन ने अगर आपको गोस्ट आउट किया है, तो रीजंस यही रहे होंगे। इनको लगा होगा कि आपके बगैर सब कुछ सही चल सकता है, वर्कहॉलिक पर्सन भी हो सकता है, काम की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा हो सकता है, किसी थर्ड पार्टी की वजह से छोड़ा हो सकता है, लेकिन ये अब वापस आएंगे। इनको बहुत जल्द रियलाइज हो जाएगा कि आप जैसा कोई भी नहीं होगा, आपके से किसी का कोई कंपैरिजन नहीं है। ये पर्सन आपके पास वापस आएगा, रीच आउट करेगा, कॉन्टैक्ट करेगा, बात करेगा आपसे, उसके बाद ये आपसे कहेगा कि आप चूज करो कि आपको अब क्या चाहिए। क्योंकि ये पर्सन आपसे रिवील भी करेगा कि बहुत किस्म जेलस किस्म का, पोजेसिव किस्म का इंसान है, क्या आप इसको सिर्फ और सिर्फ इसको टाइम दे सकते हो, क्या सिर्फ और सिर्फ इसी से बात कर सकते हो। अगर नहीं, तो आप और ये एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आएंगे तो सही, लेकिन ओपन रखेंगे रिलेशनशिप को। वरना अगर आप इसकी मैडनेस को झेल सकते हो, तो ये पर्सन चाहेगा कि आप दोनों एक नया फ्रेश स्टार्ट करो। लेकिन ये आपको चॉइस देगा, ये आपको ऑप्शन देगा कि आप क्या चूज करना चाहते हो, आप चूज कर लो। क्योंकि ये पर्सन एक ही चीज चाहेगा कि आपके साथ इसका पैचअप हो जाए, आपके साथ इसका रिकन्सिलिएशन हो जाए। लेकिन क्योंकि ये अपने एटीट्यूड को जानता है, अपनी पोजेसिवनेस को जानता है, तो ये चाहेगा कि आप इसको 100% अपना आप दे दो। अगर आप दोगे तो ठीक है, नहीं देते हो तो कनेक्शन शायद आगे नहीं जाए। सो ये है मैसेजेस आपके पर्सन के। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो और फॉलो जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग, टेक केयर, बाय।